बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक थ्रू। टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 13। टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 14। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2 द वुडन बाउल। एज द टाइटल इज द वुडन बाउल, जो टाइटल है ये एक वुडन बाउल है, लकड़ी का एक प्याला है। सो लकड़ी का क्या प्याला, लकड़ी का कौन सा प्याला और उसके अंदर क्या मतलब खासियत है, यानी कि इसकी जो क्या क्वालिटी है, ये हम रीडिंग में इसको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को। चिजल मीन होता है चीनी, वो कहते हैं मेटल टूल होता है। मेटल टूल यूज़ टू कट एंड शेप वुड, यानी कि जो फर्नीचर वगैरह बनाने वालों के पास होता है, जो टूल्स वगैरह के लकड़ी के जो चीज़ें होते हैं उनको काटने के लिए और उनकी शेप बनाने के लिए ये जो टूल है यूज़ होता है। क्लम्सी कहते हैं बेढंगे को। लेकिंग स्किल और ग्रेस एक्वर्ड, जिसके अंदर से ये स्किल्स की यानी कि ग्रेस की जो कहती है कमी होती है, यानी कि जिसकी अच्छी शेप बनी हुई ना एक्वर्ड, जो देखने में अजीब व गरीब लगता हो। कंप्लेन मीन होता है शिकायत करना। टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी को किसी के बारे में यानी कि शिकायत करना कि आप इससे अनहैप्पी हैं। कपल मीन होता है जोड़े को कहते हैं। टू पीपल हु आर मैरिड, दो लोग जो जिनकी आपस में शादी हुई हो। आर मीन होता है कमाना। रिसीव मनी फॉर वर्क डन, काम करने के बाद जो रकम मिलती है, ठीक है। फैच मीन होता है लाना। टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और सम बॉडी, जाना और किसी चीज़ को या किसी शेष शख्स को वापस लाना, ठीक है, फैश लाना। नोड ऑफ मीन होता है सर हिलाना। सर टू गो टू स्लीप, यानी कि सर के लिए जब हम सोने के लिए जा रहे होते तो हमारे नींद हमें जब आ रही होती है तो हमारे सर को ले खा रहा होता है, यानी कि हिल रहा होता है, सो इसको कहते हैं नोड ऑफ, ठीक है। अब हम मूव करते हैं रीडिंग की तरफ। वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में, देयर लिव अ मैन कॉल कर्ट, एक आदमी रहता था जिसका नाम कर्ट था। कर्ट नामी एक आदमी रहता था। ही लिव्ड विद हिज सन, वो अपने बेटे के साथ रहता था। मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ थेकला, ठीक है। कर्ट नामी एक आदमी जो था वो कहाँ रहता था, जर्मनी के एक कस्बे में रहता था, ठीक है। और अपने बेटे यानी कि उसका बेटा कौन था, मैनफ्रेड, और उसकी बहू कौन थी, थेकला, उसके साथ। दे आल शेयर्ड अ लिटल ओल्ड हाउस, दे आर शेयर्ड अ लिटल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ क्वाइट स्ट्रीट, वो सब रहते थे गली के आखिर में या नुक्कड़ पे, पुरसकून गली के आखिर में, इन द मिडल ऑफ द टाउन, कस्बे के दरमियान में, वो सब कस्बे के दरमियान में एक पुरसकून गली के कोने में रहते थे। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस। मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड एक बड़ी था, एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम, और अपना तमाम वक्त गुजारता था इन अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप में, टू द नेक्स्ट टू द हाउस, जो उसके घर के पास थी। घर में नज़र आ भी रही है पिक्चर में, ठीक है। ही हैड लर्न्ड कारपेंट्री फ्राम हिज फादर, उसने बड़े ही का काम अपने फादर यानी अब्बा से सीखा था। हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो कि अपने दिनों में बहुत मशहूर बड़े ही था। कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, कर्ट ने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था। एंड द सन अर्न्ड अ गुड लिविंग, और लड़का उसका बेटा जो था वो बहुत अच्छा कमाता था या बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन, वो कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता था। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वक्त वक्त के साथ साथ, ही डिड समथिंग कार्विंग, और उसने तो वो वक्त के साथ साथ वो कभी कभार थोड़ा बहुत जो वो तराशी का काम भी कर लेता था। द यंग कपल, नौजवान जोड़ा, मैनफ्रेड एंड थेकला, मैनफ्रेड और थेकला, हैड अ सन, एक बेटा था कॉल्ड विलियम, जिसका नाम विलियम था। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप, लड़का पसंद करता था वर्कशॉप में बैठना। एंड वॉच हिज फादर, अपने फादर को देखना। एज ही ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ही लर्न टू क्लीन द टूल्स, उसने टूल्स आलात को साफ़ करना सीखा। एंड टू टेक केयर ऑफ देम, और उनकी हिफाजत करना सीखी यानी हिफाजत से रखना सीखा। ही लर्न, उसने सीखा हाउ टू यूज़ अ सा, कैसे इस्तेमाल करते हैं एक आरी, एंड अ हामर हथौड़ा, एंड अ चीज़ल एक छीनी। एंड हिज ग्रैंड फादर चार्ज हिम, और उसके दादा अबू ने उसे सिखाया टू कट वुड इन टू वंडरफुल शेप्स, लकड़ी को तराशने के, लकड़ी को कैसे तराशा जाता है मुख्तलिफ शेप्स यानी कि खूबसूरत शेप्स, उनको शक्लें बनाने के लिए लकड़ी को कैसे तराशा जाता है, यानी कि उसके दादा अबू ने उसको तराशने का काम सिखाया कि लकड़ी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो डिज़ाइन हैं उनकी शेप्स वगैरह हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। द ग्रैंड फादर वॉज़ वेरी ओल्ड नाउ,
दादा अबू अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और वो यानी कि हर रोज़ वह मज़ीद बूढ़ा होता जा रहा था। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था या ताकतवर नहीं था। हिज आइज़ वर डिम, ठीक उसकी आंखें धुंधली थी, डिम मीन धुंधली, एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छे से देख नहीं सकता था। सम टाइम्स बाज़ औकात हिज हैंड शॉक, उसके हाथ जो थे वो हिलते थे या कांपते थे। एंड सम टाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडिड ऑफ, और बाज़ औकात क्या होता था वो कुर्सी पे बैठता था और नोडिड ऑफ सो जाता था। इन द इवनिंग शामों में, व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब वो शामों में रात के खाने के लिए मेज़ पर बैठते, मैनफ्रेड एंड थेकला यूज़ टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर। मैनफ्रेड और थेकला जो थे वो उसके साथ नाराज़ हो जाते थे या उसे डांटा करते थे बूढ़े आदमी को। बूढ़े आदमी को ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, क्योंकि वो बहुत सुस्त और बेढंगा था। सम टाइम्स बाज़ औक़ात ही ब्रोक अ ग्लास, वो ग्लास को तोड़ देता। सम टाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, ये एक वो चम्मच को नीचे गिरा देता। एंड सम टाइम्स और बाज़ औक़ात ही स्प्लिट सोप ऑन हिज क्लॉथेस, वो अपने कपड़ों पे सोप गिरा लेता था। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, बहरहाल वो एक बूढ़ा आदमी था। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के दौरान, एक दिन शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी ने अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी। क्रैश, यानी कि उसकी आवाज़ आती है क्रैश प्लेट के गिरने की। इट्स इट स्मैश इंटू 100 टीनी पीसीज एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस। इट स्मैश इंटू 100 टीनी पीसीज, यानी कि जो प्लेट थी ना वो हज़ारों यानी कि टुकड़ों में तकसीम हो गए। इंटू 100, हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो गए, यानी कि टुकड़े टुकड़े उसके हो गए। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो खाना सा जो था वो सारे उस पे यानी कि फर्श पे बिखर गया, हर जगह बिखर गया। थेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, थेकला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू किया। बट हाउ एंग्री देवर, लेकिन वो कितना गुस्सा हुए थे, थेकला आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट, इस हादसे के बाद वो बाज़ार से एक बहुत सस्ता सा लकड़ी का प्याला लेके आए। एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उसको रात का खाना इसमें देने लगे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड, वो बूढ़े आदमी को खुद कमरे के कोने में बिठा देते थे खाना खाने के लिए। ठीक है, नाउ आई एम हेयर टू स्टॉप, राइट डाउन डेट एंड डे।